जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूज़ इन शॉर्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस और हमने जो लास्ट न्यूज़ डिस्कस किया था दैट वाज़ द वर्ल्ड फ्यूचर्स एनर्जी समिट जो कि रिसेंटली अबू धाबी में हुआ था ठीक है और ये सिक्सटीन एडिशन था इसका आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस न्यूज़ बुरकना फासो देखिए स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉमेशन है कि आप घटना चक्र की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं स्टैटिक घटना चक्र चार सब्जेक्ट्स की आपके लिए अभी अवेलेबल है दो रनिंग हैं और दो कंप्लीट प्लेलिस्ट हैं जो कंप्लीट प्लेलिस्ट लिस्ट हैं वो हैं हिस्ट्री और इकोलॉजी की और जो रनिंग प्ले लिस्ट हैं वो हैं इकनॉमिक्स और जोग्रफ़ी की तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको अभी रिवाइज करना है वो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ ये जो घटना चक्र करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं Uh, इसका वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाता है तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज बुर्किना फासो माली नाइजर द क्विट वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोवास ठीक है तो जो रिसेंटली मिलिट्री रिजीम्स रूलिंग जो स्टेट्स हैं लाइक बुर्किना फासो माली नाइजर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अपने आप को विद्रॉ कर लेंगे ठीक है कौन कौन से हैं बुर्किना फासो माली और नाइजर बुर्किना फासो माली और नाइजर ये कहाँ से अपने आपको विड्रॉ करेंगे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स नेक्स्ट इटलीज एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली ने इटली बाहर हो गया सो सो so 2023 में इटली ने विड्रॉ कर लिया था चाइना के बीआरआई इनिशिएटिव से एंड मोर देन फोर ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द ओनली जी सेवन नेशन टू साइनअप तो इटली जब बना था बी आर आई का इनिशियेटिव तो इट वॉज द ओनली जी सेवन नेशन टू साइनअप बट उसने अब वहाँ से विदड्रॉ कर लिया है और ठीक है आपके लिए बस इतने अभी न्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इकलौता जी सेवन नेशन था जो कि बी आर आई में एड हुआ था बट इट हैज़ विदड्रॉन राइट ना दो हज़ार उन्नीस में वो जुड़ा था दो हज़ार तेईस में उसने विदड्रॉ कर लिया नेक्स्ट इज भारत मार्ट इन दुबई फॉर एक्सपोर्ट्स फरवरी 15, 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएई वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन राशिद अल अलमखदूम ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट भारत मार्ट इंटीग्रेट करेगा रिटेल वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ को विद इन द जबल अली फ्री ट्रेड जोन इन दुबई दिस फैसिलिटी विच इज स्पैनिंग ओवर वन लैक स्क्वायर किलोमीटर एम्स टू रिड्यूस द शिपिंग कॉस्ट एंड टाइम फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका एंड यूरोप तो ये जो फैसिलिटी है जो कि एक लाख स्क्वायर मीटर्स में बनाई गई है ये जो शिपिंग कॉस्ट है उसको कम करेगी ठीक है एंड द टाइम टेकन फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका एंड यूरोप उस टाइम को कम करेगी भारत मार्ट फैसिलिटी से चाइना की ड्रैगन मार्ट के सिमिलर बनाया गया ये एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडियाज कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड डी पी वर्ल्ड ये एक प्रोमिनेंट लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन है जिसका हेड क्वार्टर दुबई में है और ये जो भारत मार्ट है इट इंटेंड्स टू एक्सपीडाइड द एक्सपोर्ट प्रोसीजर फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज फॉर्म्स एस एम ईज विद एन एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल स्कड्यूल ऑफ ट्वेंटी ठीक है तो बेसिकली uh, भारत मार्ट जो है इन uh, दुबई ये एक्सपोर्ट्स के लिए uh, शुरू किया गया है और uh, इससे फ़ायदा क्या होगा ये जो है कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस करेगा शिपिंग कॉस्ट um, और टाइम भी रिड्यूस करेगा फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका एंड यूरोप भारत मार्ट की जो फैसिलिटी है इट इज़ सिमिलर टू द फैसिलिटी ऑफ चाइनाज ड्रैगन मार्ट तो उसी तर्च पे ये बनाया गया है नेक्स्ट इज़ रशियन पीस कीपिंग ट्रूप्स स्टार्ट द विड्रॉल फ्रॉम अजरबैजानस नागोर्नो कारबाक रीजन तो नागोर्नो कारबाक रीजन हमेशा से एक यू डिस्प्यूटेड रीजन रहा है तो रशिया की जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं

वो इस रीजन से बाहर आ गए अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अभी जब पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे मैप खोलिए और देखिए कि रीजन एग्जैक्टली कहाँ पर है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है, बनती हैं ये हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है टू डिस्कस और अभी कुछ समय से ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी रहा है तो इसके लिए आप इसका जो मैप है या मैप के अराउंड जो जो चीज़ें हैं जहाँ पर भी ये लाई कर रहा है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो आप देखिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल नेक्स्ट अब नागारणों का रीजन के बारे में देख लो ये एक लैंड लॉक्ड माउंटेनियस एरिया है मैप खोलिए अभी मैप के साथ ही हम इसीलिए मैंने आपको पहले बोला हम डिस्कस करते हैं ये एक लैंड लॉक्ड माउंटेनियस एरिया है साउथ काकेसस में द ट्रांस कॉन्टीनेंटल रीजन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी ठीक है तो ये लैंड लॉक्ड माउंटेनियस एरिया है किसमें साउथ काकेससस में और ये जो है ये ट्रांस कॉन्टीनेंटल रीजन है बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी इट वॉज क्लेम्ड बाई बोथ अजहरबीजान एंड अर्मानिया तो इसको दोनों ही क्लेम करते हैं अजहरबीजान भी क्लेम करता है अर्मानिया भी क्लेम करता है एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रशियन एम्पायर इन नाइनटीन सेवनटीन एंड तब से ये एक पॉइंट ऑफ टेंशन ये बना है इट इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज इज अ पार्ट ऑफ ऑइल रिच अजहरबीजान बट इन्हेबिटेंट्स जो हैं वो प्रीडामेंटली एथनिक आर्मेनियन से तो आर्मेनिया भी इसको क्लेम कर रहा है इसको अजरबैजान भी क्लेम कर रहा है इंटें जो इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है अजरबैजान के पार्ट के तौर पे ये एक ऑयल रिच रीजन है अजरबैजान और उसी का इसको पार्ट मानते हैं लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं वो प्रीडोमिनेंटली एथनिकली आर्मेनियंस हैं दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट विच हैज़ एन्जॉयड क्लोज लिंक्स टू द गवर्नमेंट इन नेबरिंग आर्मेनिया एंड इट हैज़ नॉट बीन ऑफिशियली रिकोगनाइज बाई इट और अदर यूनाइटेड नेशन मेम्बर स्टेट्स ठीक है तो अपनी खुद की गवर्नमेंट है आर्मेनिया में जैसी गवर्नमेंट चलती है उसी टाइप का ही कर रहे हैं सिस्टम लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर से बोल रही हूँ ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको एक बार मैप पर देखिए और इसके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। बनती हैं हर साल ठीक नेक्स्ट <coughs> नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत आ, कॉन्क्लेव रिसेंटली इंडिया और नेपालीज गवर्नमेंट एलॉन्ग विद द स्कॉलर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज है संस्कृत रिसर्च एंड एडुकेशन इंडिया एंड नेपाल संस्कृत स्कॉलर्स यूनाइट टू एनहेंस द संस्कृत रिसर्च एंड एडुकेशन ये तीन दिन का एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हुआ था काठमांडू में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल एलोंग विद डेली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड इंडिया फाउंडेशन फाइव पॉइंट रेजोल्यूशन इसमें आया था विच इंक्लूड्स एनअल कॉन्फ्रेंसेज अ स्टडी सेंटर फॉर अनपब्लिश्ड संस्कृत मैनेस्क्रिप्ट सपोर्ट फॉर गुरुकुल्स डेवलपमेंट जॉइंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये इनिशिएटिव जो है ये कल्चरल uh, टाइज को मजबूत बनाएगा और संस्कृत हैरिटेज को प्रिजर्व करेगा ठीक है तो किसके बीच में हुआ है संस्कृत कॉन्क्लेव अभी रिसेंटली नेपाल और इंडिया के बीच में नेक्स्ट देखिए सऊदी अरेबिया सेंड्स फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स पीजेंट ओके अभी तक सऊदी अरेबिया से कोई मिस कंटे मिस यूनिवर्स पीजेंट के लिए कोई भी कंटेस्टेंट नहीं गया था पहला कंटेस्टेंट गया है फ्रॉम सऊदी या गई हैं सो सऊदी अरेबिया सेट टू पार्टिसिपेट इन द मिस यूनिवर्स पीजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट है ये एक हिस्ट्री बना रहा है हिस्टोरिक माइल है इस कंट्री के लिए रूमी अलकथानी ठीक है नाम भी याद रखिएगा रूमी अलकथानी ये कौन है ये फर्स्ट कंटेस्टेंट है मिस यूनिवर्स पेजेंट की फ्रॉम सऊदी अरेबिया ये एक सत्ताईस साल की मॉडल हैं और इन्फ्लुएंसर हैं सऊदी अरेबिया से अनाउंस दैट शी विल बी द फर्स्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम द कंट्री इन द मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन रूमी अलकथानी नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन इंद्रावती ऑपरेशन इंद्रावती इम्पोर्टेंट है अभी हमने लास्ट uh, जो हम चैप सब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें ऑपरेशन हमने पढ़े थे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन इंद्रावती ये था दिस वॉज टू रेस्क्यू द इंडियंस इन हैथी सो ऑपरेशन इंद्रावती जो हैथी में जो लोग फंस गए थे फ्रॉम टमोल्स हैती टू नेबरिंग डोमिनिकन रिपब्लिक वहाँ से उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे सिटीजन्स को ये ऑपरेशन शुरू किया गया था हैती कैरेबियन में है हैज़ प्लंग्ड इन टू के विद आर्म्ड गैंग सीजिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रीट्स रिजल्टिंग इन वर्चुअल डिसपेयरेंस ऑफ द गवर्नमेंट तो एक वर्चुअली गवर्नमेंट वहाँ से डिसपेयर हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस केस जो भी आ, लोकल गैंग्स के द्वारा किया गया हैती करेंटली इज़ अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी क्योंकि वहाँ पर वायलेंस बहुत बढ़ रहा है गैंग वॉरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यू एन रिपोर्ट्स दैट गैंग्स कंट्रोल 80 परसेंट ऑफ हैथीज़ कैपिटल सो यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से जो गैंग वॉर्स हैं जो गैंग यू uh, नो you know, जो गैंगस्टर्स हैं दे कंट्रोल एट्टी परसेंट ऑफ़ द हैथीज कैपिटल विद ऑन गोइंग इन द रिमेनिंग एरियाज़ सो ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए हैतीज से हमारे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू करने के लिए पोखरा ऑफिशियली डिक्लेयर नेपाल टूरिज़्म कैपिटल इंपॉर्टेंट है पोखरा को ऑफिशियली नेपाल का टूरिज़म कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है ठीक है तो पोखरा क्या है काठमांडू कैपिटल है बट नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कौन सी डिक्लेयर कर दी गई है पोखरा तो नेपाल गवर्नमेंट डिक्लेयर पोखरा पिक्चर्स क्यू सिटी इन द गंडकी प्रोविंस एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमालयन नेशन द फॉर्मल डिक्लेरेशन वॉज मेड ड्यूरिंग अ स्पेशल सेरेमनी हेल्ड एट बड़े ही घाट सिटुएटेड ऑन द शोर्स ऑफ स्टनिंग फेवा लेक तो ये जो है आ, फेवा लेक ये कहाँ पर है ये भी नेपाल में है ध्यान दीजिएगा नेपाल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस नेपाल ने पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस भी होस्ट किया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द कंट्री एज अ सेफ एंड इंक्लूसिव डेस्टिनेशन फॉर एल जी टूरिस्ट ये जो कॉन्फ्रेंस था ये ऑर्गेनाइज किया गया था एन जी माया को माया को पहचान नेपाल इन कोलाब्रेशन विद नेपाल टूरिज़्म बोर्ड द लीगल एंड सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऑफ द एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी हैज़ एडवास्ट सिग्निफिकेंटली इन 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 नेपाल एंड ये एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट बिहाइंड द हिस्ट्री वॉज द टू थाउजेंड सेवन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विच कॉल्ड फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ अ थर्ड जेंडर मोर रिसेंटली जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था इंटरसेक्स मैरिजिज टू बी लीगली रजिस्टर्ड अंडर एन एंट्रीम ऑर्डर ठीक है नेक्स्ट द बाल्टी मोर ब्रिज डिजास्टर इन यू एस मार्च ट्वेंटी सिक्स को एक कंटेनर वेसल इट रैन इन टू द पिलर ऑफ अ ब्रिज ऑफ द पटाप्सको रिवर इन बाल्टीमोर अब ये चूँकि ये न्यूज़ में रहा तो ये रीजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर है तो पटाप्सको रिवर जो है पताप्सको में भी ये बाल्टीमोर में है ब्रिंगिंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर क्रैशिंग डाउन टुगेदर विद सम पीपल एंड कार्स ऑन द ब्रिज इवेंट के बारे में देखें तो फ्रांसिस कोट की ब्रिज ये कोलैप्स हुआ था फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज दिस ब्रिज कोलेप्स इन द बाल्टीमोर आफ्टर अ कंटेनरशिप कोलेजन तीन सौ मीटर लॉन्ग वेसल डली इट वॉज हेडिंग फॉर कोलम्बो श्रीलंका विथ सेवरल कंटेनर्स ऑफ ऑयल इन सम हेज आर्डस मटीरियल फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज द स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन तो अब ये मतलब ब्रिज के बारे में भी बातें होने लगी बिकॉज इट कोलैप्स्ड एक्चुअली आफ्टर दिस हेडिंग ये बनाया गया था मिड नाइनटीन सेवेंटीज़ में

एंड इट रंस नॉर्थ ईस्ट फ्राम हॉकििस पॉइंट बाल्टीमोर टू सोलर्स पॉइंट इन डुंडला डुंडाल इन बाल्टीमोर कंट्री मैरीलैंड ओके तो ये फ्रांसिस की ब्रिज कहाँ पर है पैटस्को रिवर कहाँ पर है ये सब आपको याद रखना है नेक्स्ट देखते हैं जनरल मनोज पांडे इनागरेट्स हाई टेक आई टी लैब इन उजबेकिस्तान सो मनोज पांडे जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ही एम बाग ट विजिट टू द रिपब्लिक ऑफ उजबेकिस्तान फ्रॉम अप्रिल फिफ्टीन टू एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दिस विजिट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन बोल्स्टरिंग द डिफेंस कॉपरेन बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ उजबेकिस्तान द सी ओ एज पेड होम एज टू लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय लेइंग रीथ ऑफ एट हिज मोनोमेंट दैन ही विजिटेड एट द फट्री पार्क ऑल्सो commemorating uzbekistan's contribution and sacrifices in the second world war. Okay. he inaugurated a high-tech laboratory at the academy of armed forces in uzbekistan, and this lab was established with the indian assistance. ukraine peace summit. switzerland recently agreed to uh, host a global peace summit on ukraine at the request of ukrainian president vladimir zelensky. ukraine has also invited chinese president xi jinping to पार्टिसिपेट इन अ प्लैंड पीस समिट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन स्विट्जरलैंड यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस यूरोपियन यूनियन रिसेंटली इन्होंने एक लॉन्च किया है एक यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस वाई इट हैज़ बीन लॉन्च टू हारमनाइज द मैथड्स इन द फाइट अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग ठीक है तो यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस जो है ये लॉन्च किया गया ई यू के द्वारा टू फाइट अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग एंड टू कॉम्बैट द हब्स इन्फिल्ट्रेशन बाय क्रिमिनल ग्रुप्स ये इनिशिएटिव इनागरेट किया गया बेल्जियम के एंटवर्प पोर्ट पे द मेन गेट वे फॉर कोकेन इन टू यूरोप सो इट वॉज इनागरेटेड एट बेल्जियम्स एंटवर्प और ये जो एंटवर्प है बेल्जियम्स एंटवर्प पोर्ट ये मेन गेट वे है कोकेन लाने के लिए यूरोप में इट ब्रॉट टुगेदर ई यू इंटीरियर मिनिस्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्राम सिक्सटीन ई यू पोर्ट्स एंड सी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेश नेक्स्ट यू तिर सिंग्स बस्ट अनवील्ड इन ढाका बांग्लादेश सो फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को अ बस्ट ऑफ यू तिरोद सिंह साइम इट वॉज अनवील्ड इन ढाका बांग्लादेश बाई मेघालय गवर्नमेंट एट द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर यू तिररोज सिंह एक रिवर्ड फ्रीडम फाइटर थे खासी कम्यूनिटी से तो ये जो तिरोज सिंह थे आप इनको बेसिकली जो हिस्ट्री में जानते हैं वो तिरोज सिंह के नाम से जानते हैं तो इनका एक बर्स्ट एक धड़ जो बोल सकते हैं वो इनाग्रेट किया गया मूर्ति के फॉर्म में बांग्लादेश में किसने इनाग्रेट किया मेघालय गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया क्यों क्योंकि ये खासी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और बांग्लादेश में जो इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर है वहाँ पे इसको बेसिकली इनाग्रेट किया गया तो अभी देखिए आपका क्या काम है यहाँ पर कि जैसे आपने पढ़ा कि युतिरोध सिंह के बारे में बात हो रही है इनका बस एनवील किया गया ये न्यूज़ में रहे तो अब आपको थोड़ा सा पाँच मिनट लगेगा आप गूगल खोलिए और देखिए तिरोद सिंह की हिस्ट्री के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा आपको सिर्फ पाँच या दस मिनट में इनकी हिस्ट्री मिल जाएगी तो या तो आप इसको यहीं मैंशन कर लीजिए या अपना जो भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर उसको मैंशन कर लीजिए ठीक है सो यू यू तिरोध सिंह के बारे में क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आ, उनके बारे में बात हुई है तो क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ हो सकती हैं स्टेट में नहीं होंगी तो ये भी यू में हो जाएंगी बिकॉज दूसरे देश में हमने इनाग्रेट किया है Statement ठीक है तो पॉसिबिलिटी बनती है नेक्स्ट सिक्सटियथ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अटेंडेड द दिक्सटियथ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी ही एड्रेस्ड अ पैनल डिस्कशन ऑन ग्रोइंग द पाए सीजिंग शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट इज ग्रीस लीगलाइजेड सेम सेक्स मैरिज फेबर फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को ग्रीस पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन एक बिल पास किया which allows the same sex civil marriage greece has been greece has made history by uh, legalizing same sex marriage and granting equal parental rights to same sex couples iran abolishes visa requirements for indian Tourists so recently government of islamic uh, republic of iran has approved the abolition of visas for citizens of india which is effective from february 4 2024 as of february uh, 4 2024 islamic republic of iran विल अबॉलिश दीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स मेट लाइव स्टेडियम न्यूयॉर्क मेट लाइव स्टेडियम इन न्यूयॉर्क इमर्ज विक्टोरियस इन द बिड टू होस्ट द फाइनल ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फीफा वर्ल्ड कप तो ये जो मेट लाइव स्टेडियम है न्यूयॉर्क में इसने जो बिड था वो जीत लिया है किस लिए फॉर दू होस्ट द फाइनल ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फीफा वर्ल्ड कप ठीक है दो हज़ार छब्बीस का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है उसको ये होस्ट करेगा 2026 ट्वेंटी सिक्स वर्ल्ड कप विल बी को होस्टेड बाई यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा एंड मैक्सिको तो ये फ़ीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है इसको को होस्ट किया जाएगा यू एस कैनेडा और मैक्सिको के द्वारा ठीक है और कहाँ होगा ये मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क ने इसका बिड जीत लिया है ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स फीफा वर्ल्ड कप विल किक ऑफ एट मैक्सिको सिटीज़ एस्टेगा स्टेडियम तो इसकी शुरुआत होगी मैक्सिको सिटी के आइकॉनिक एस्टेका स्टेडियम से ओके नेक्स्ट शेंजन वीजाज रिसेंटली फ्रांस हैज़ स्टार्टेड इशूइंग द डिजिटल शेंजन वीज़ाज विद प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी थाउजेंड डिजिटल वीज़ा फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स तो अब तो ये ओलम्पिक पैरालंपिक हो चुके हैं देखिए बस ये आप याद रखिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है कि शनजन वीज़ाज किससे रिलेटेड है ठीक है सो so, शनजन वीज़ाज जो हैं वो अम, स्टार्ट किए गए थे टू तो डिस्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी थाउजेंड डिजिटल वीज़ास ओलंपिक और पैरालंपिक जो फ्रांस में हुए उनको देखने के लिए डब्ल्यू एच ओ गुजरात डिक्लेरेशन सो सेप्टेम्बर फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था आउटकम ऑफ फर्स्ट डब्लू एच ओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो कि गुजरात में हुआ था ड्यूरिंग सेवनटीन एटीनथ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द फर्स्ट डब्लू एच ओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ये होता है अब इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देख लीजिए फर्स्ट डब्ल्यू एच ओ ट्रेडिशनल ग्लोबल समिट गुजरात में गांधीनगर में हुआ सत्रह अठारह अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को हुआ थीम थी इसकी टू वर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल इसको को होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पर्पज इसका क्या था टू लुक न्यू एट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टू रिग्रेसिफिकल टी सी आई एम डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इज अ नॉलेज सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विच इज बींगटअप एट जामनगर गुजरात विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन अक्टूबर ग्यारह दो हजार तेईस को ट्वेंटी थर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ये होती है कोलंबो में श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन डेलीगेशन इट वॉज लेड बाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स डॉक्टर जयशंकर इस मीटिंग में इंडिया ने एज्यूम किया था द रोल ऑफ वाइस चेयर ऑफ आयोरा फॉर नियरली फॉर द ईयर 2023 ट्वेंटी एंड फॉलोड बाय द चेयरमैनशिप इन 2025-27 फाइव ट्वेंटी सेवन ड्यूरिंग द मीट द सी ओ एम एडोप्टिड द कोलम्बो कम्युनिक एंड द आयोरा विजन ट्वेंटी थर्टी एंड बियॉन्ड एमंग द आयोरा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मीटिंग जो हुई इट वॉज हेल्ड इन कोलम्बो बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट सार करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है अभी रिसेंटली किसके साथ मॉलडीवस के साथ सो मॉलिवस मॉनेटरी अथॉरिटी एम एम ए अंडर द सार करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क दिस फैसिलिटी केम इंटू ऑपरेशन ऑन फिफ्टी नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्थ सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो आई थी वो दो हज़ार बारह में आई थी और अभी रिसेंटली इंडिया ने जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने साक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है मॉलडीवस के साथ आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट ये हुआ ब्लेचली पार्क इंग्लैंड में In an effort to address the challenges which is posed by advanced AI systems, 28 prominent nations, as the United States, China, India, European Union, to endorse the Bletchley Park Declaration during the inaugural AI Safety Summit. Bletchley Park Declaration stands at the world's inaugural global agreement addressing the risks associated with frontier AI. <coughs>

ठीक है तो डब्ल्यू एच ओ का जो टारगेट है सेवेंटी फाइव परसेंट एफिके का उसको इसने एक्सीड कर दिया है तो ये एक तरीके का माइल स्टोन हो गया इन फाइटिंग अगेंस्ट द मलेरिया आर ट्वेंटी वन मेट्रिक्स एम वैक्सीन इट टारगेट्स द प्लाजोडियम स्पोरोजाइट ठीक है तो ये टारगेट करता है प्लाज्मोडियम स्पोरजाइड को स्पोरोजॉइड सॉरी नेक्स्ट इज सेकेंड सी टी आई इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्व तो सेकेंड एडिशन हुआ सी टी आई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है ये नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव इट वॉज हेल्ड रिसेंटली न्यू डेली सो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया सी टी आई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ की बात करें तो बाल्टिक कंट्रीज़ थी इसमें एन बी एड नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़ लैटविया डेनमार्क एस्टोनिया फिनलैंड आइसलैंड नॉर्वे एंड स्वीडन टेंथ आसियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लान मीटिंग प्लस सो नवंबर 16 को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ही अटेंडेड द टेंथ आसियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस इन जकार्ता थीम थी इसकी टू इंश्योर पीस प्रोस्पैरिटी एंड सिक्योरिटी नोबल पीस प्राइस ट्वेंटी देखिए हम ट्वेंटी की डिस्कस करेंगे और ट्वेंटी uh, थ्री में इसमें क्या दिया है? एक बार देख ले रहे हैं बाकी जो हम अपीलो <coughs> बाय हार्ट करने की कोशिश होगी वो हो, ट्वेंटी फोर की होगी तो आ, लेटली जब ये न्यूज़ आया था तो इरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी शी हैज़ बीन चोज़न बाय नॉर्वेजियन नोबल कमेटी फॉर कोवेटेड नोबल प्राइज पीस प्राइज़ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नोबेल पीस प्राइज़ ऑर्गेनाइज़ किया गया था लास्ट ईयर अक्टूबर सिक्स में नॉर्वेजिन नोबेल कमेटी अपॉइंटेड बाई पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था क्यों दिया गया था बिकॉज ऑफ हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ विमेन इन ईरान एंड प्रमोटिंग द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग नवंबर 9, 2023 को सिक्स हाई लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग टुक प्लेस एट द ओपेक सेक्रटेट इन वियना, ऑस्ट्रिया आई आई टी मद्रास फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। आई मद्रास अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ बना रहा है तंजानिया में सो फर्स्ट आई आई टी टू बी सेटअप इन एफ्रीका विल कम अपर इन तंजानिया

इसको रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर लाइफ इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है हंड्रेड इलेवन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये यू एन डी पी रिलीज करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई में इंडिया की रैंक है वन थर्टी फोर टॉप रैंक स्विट्जरलैंड की आई है सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वन हंड्रेड इलेवन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वन थर्टी फोर है अब आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ करता है वीपो द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो रैंकिंग है वो है फोर्टी फोर जीरो इसमें स्विट्जरलैंड टॉप किया है ठीक है वीपो में क्या है जो हमारा इनोवेशन इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक है फोर्टी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें इंडिया की रैंक है 129 ट्वेंटी नाइन आउट ऑफ वन ट्वेंटी और इसमें आइसलैंड टॉप पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो ये कौन रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें इंडिया की रैंक है 129 ट्वेंटी आउट ऑफ वन आइसलैंड ने टॉप किया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हैंन एंड पार्टनर्स रिलीज़ करता है इसमें एटी रैंक एक रैंक ऊपर हो गई है एटी रैंक आउट ऑफ मतलब ऊपर का मतलब 84 थी आउट ऑफ 199 सिंगापुर जापान जर्मनी इटली स्पेन फ्रांस ये टॉप रैंक्स पर हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग निकालता है आई इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसमें थर्टी रैंक है सिंगापुर टॉप पर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 ये येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिलीज करते हैं 176 रैंक है इसमें येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी 176 रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसमें रैंक है हमारी नाइनटी ठीक है करप्शन परसेप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 93 रैंक है ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिलीज़ करते हैं 176 है इसमें स्टोनिया टॉप पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई सीसीपीआई रिलीज़ करता है ग्रीन बॉज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसमें सेवन्थ रैंक है इंपॉर्टेंट है अंडर टेन है ये ठीक है इंपॉर्टेंट सारी है मतलब इसमें अंडर टेन रैंक है तो इसलिए डेनमार्क फोर्थ पर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पर कोई है ही नहीं किसी ने अचीव नहीं किए फोर्थ पर डेनमार्क है सेवन्थ पे इंडिया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2024 ये रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा इसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग दी गई सिक्स फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स की रैंकिंग मिली है सो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में एयर पावर इंडेक्स का मतलब है कि इंडियन एयरक्राफ्ट के बारे में हम एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं सो so, इसमें जो रैंक मिली है इंडिया की एयर एयरफोर्स को वो मिली है सिक्स रैंक फर्स्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जो है वो यू एस वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड लंडन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया मिलकर निकालते हैं साइबर क्राइम इसमें इंडिया की रैंक है टेंथ ठीक है तो रशिया यूक्रेन चाइना और इंडिया आ रहा है टेंथ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज़ करता है पीस में हम हैं वन पर एक सौ सोलह उसके बाद है इलेवेंथ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आई आई पी कॉम्पीट फॉर टमोरो ये रिलीज़ की गई ग्लोबल इग्नोवेशन पॉलिसी सेंटर एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसमें फोर्टी सेकेंड रैंक है एलैंथ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स तो इसमें फोर्टी सेकेंड रैंक है यू एस ए यू के और फ्रांस ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंटेलिजेंस यूनिट की द्वारा ये रिलीज़ की जाती है इसमें वन फोर्टी वन डेली और मुंबई वन फोर्टी वन रैंक पे हैं ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स ई आई यू ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है थर्टी नाइन्थ ट्रैवल एंड टूरिज्म थर्टी नाइन्थ यूएस टॉप पर है स्पेन एंड जापान इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ये हेरिटेज फाउंडेशन निकालता है इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम है इंडिया है वन ट्वेंटी सिक्स रैंक पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें वन फिफ्टी नाइन्थ रैंक है नॉर्वे फर्स्ट है सो इट इज़ रिलीज बाई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक बार यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये रिलीज़ कौन करता है सो दैट वॉज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, ट्वेंटी थ्री सो दिस इज़ रिलीज बाई ए आई यू इकनॉमि इंटेलिजेंस यूनिट और इसमें डेमोक्रेसी इंटरनेशनल में इंडेक्स में हमारी रैंक है फोर्टी फर्स्ट द 2024 ट्वेंटी फोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एस ये यूएन की रिपोर्ट है इसमें 109 रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एस इसमें 109 रैंक है फिनलैंड स्वीडन एंड डेनमार्क, ठीक है तो ये आप दो तीन बार इस पे नज़र डालिए आपको मोस्ट प्रॉबली बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से याद हो जाएंगी दो तीन बार सुनिए पढ़िए और यहाँ से ये जो टेबल मैं आपको बनाने के लिए बोल रही थी ऑलरेडी इन्होंने बना के दिया है कुछ ऐड ऑन करना है तो इसमें देख लीजिएगा सो so, इसको आप बार बार पढ़िए और जो न्यूज़ इन शॉर्ट है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको तो मार्क किया ही हुआ है बाकी आप एक बार एक नज़र देख के निकल सकते हैं सुन के निकल सकते हैं ठीक है तो ये हमारे न्यूज़ इन शॉर्ट और ये इंडेक्स वाला जो चैप्टर वो ख़त्म हो गया अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक अफेयर्स सो वी विल रीड अबाउट इकनॉमिक अफेयर्स जो भी यहाँ पे नई स्कीम्स वगैरह प्रोजेक्ट्स आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से सो टिल देन कीप रिवाइजिंग कीप स्टडिंग जय हिंद जय भारत